हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट गुप्ता और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हॉल में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं किसी भी पिक को, किसी भी लोगो हुआ या फिर किसी भी ऐसे स्पेशल पिक को आप कैसे इरेज कर सकते हो उसका बैकग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक डेस्कटॉप पब्लिशर हो या फिर अगर आप किसी बैनर या फिर किसी पिक वगैरह ऐसे डेवलप करते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप किसी भी लोगो का या फिर ऐसे प्रोजेक्ट हमको आता है, जैसे हम बैनर वगैरह बनाते हैं लोग, तो उसमें बैनर में बहुत सारा ऐसे जगह आता है जहां पे आप बैकग्राउंड को इरेज करना होता है। आज हम बताने वाले हैं, स्पेशलिस्ट एक बताएंगे जिसके टूल्स के माध्यम से आप किसी भी तरह का बैकग्राउंड को आप आसानी से इरेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोबाइल के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एक एप्स को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे डेस्कटॉप पे एक एप्स है बैकग्राउंड इरेजर, इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्स बहुत ही छोटा एप्स है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं आगे का क्या क्या प्रोसेस है। दोस्तों, ये एप्स इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस एप्स को ओपन करना है। दोस्तों, इस एप्स को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये एप्स को ऑपरेट करना बहुत ही इजी है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं कैसे आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऑप्शन ही आएगा। यहाँ पे हम बता दें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जो एक ही ऑप्शन है, लोड अ फोटो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बीच में एक ऑप्शन है जो है लोड है फोटो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इसको यूज करते हैं। ये सब आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, जो बीच में सेंटर में आपको मिल रहा है एक ऑप्शन लोड अ फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए गाइस, इस पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, क्लिक करते ही आपका गैलरी ओपन होगा और यहाँ से आपको फोटो चूज करना है, कौन सा फोटो का आपको बैकग्राउंड इरेज करना है। तो यहाँ पे हम एक फोटो को चूज कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एक फोटो को चूज कर लिए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आप फोटो को चूज करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्रॉप मिल जाएगा। अगर आपको फोटो को क्रॉप करना है, काटना है, तो यहाँ से आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फोटो को काट नहीं रहे हैं। अगर आपको कटिंग करना होगा तो आपको क्या करना है, ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ये है रिसाइज का ऑप्शन है, जो आपको फोर साइड मिल जाएगा। यहाँ से आप ऊपर नीचे या फिर राइट साइड या लेफ्ट साइड में आप इजीली कटिंग कर सकते हो। तो चलिए हम एक साइड कटिंग करके हम दिखा दें। यहाँ पर प्रेस करना है और नीचे की तरफ हम ड्रा किए, और उसके बाद यहाँ जब हम ऊपर वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो दोस्तों डन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो कटिंग है, ये एरिया है, इतना एरिया हमारा आ जाएगा, और ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया इरेज हो जाएगा। आई मीन टू से ऊपर वाला जो एरिया है ये क्रॉप हो जाएगा। दोस्तों, एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमको डन वाला जो ऊपर में ऑप्शन मिल रहा है इस पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही उतना एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो, उतना एरिया हमारा आ चुका है। यहाँ से हम बताएंगे किस तरह का बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा, इजिली आप किसी भी बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है नीचे में, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा। तो चलिए हम एक एक टूल्स के बारे में आपको इजिली हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा जो होगा ऑटो। जैसा कि आप देख रहे हो एक यहाँ पे एक ऑप्शन है जो है ऑटो, इस ऑप्शन के बारे में हम बता रहे हैं, इससे आप कैसे इरेज कर सकते हो। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। दोस्तों, इस टूल्स को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, ये एरिया जो आ रहा है यहाँ पे डॉट रेड कलर के जो आ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, और साथ ही साथ ये जो आपको एरिया मिल रहा है यहाँ पे प्लस का एक सिंबल, प्लस वाला सिंबल जहाँ भी रहेगा उस एरिया को इरेज होगा। वो भी कैसे इरेज होगा, ऑटो होगा। ऑटो, जैसे कि आप टूल्स के नाम है ऑटो, तो ये जो एरिया होगा ऑटो इरेज होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली बता दें कैसे ये काम करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो रेड वाला यहाँ पे डॉट है इस पर हम प्रेस करेंगे, और प्रेस करके हम इजिली इसको जिस जहाँ भी हमको इरेज करना है वहाँ पे हम ले जाके एक बार हमको छोड़ना है। जैसा कि हमको ये ग्रीन वाला जो प्लेस दिखाई दे रहा है, इस प्लेस को हमको इरेज करना है, और दोस्तों प्लस वाला सिंबल एक जगह हमको छोड़ना है। तो यहाँ पे हम छोड़ते हैं, और छोड़ते ही ये जो ग्रीन वाला टोटली एरिया है ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम जैसे ही इस एरिया पे जो ग्रीन वाला एरिया था यहाँ पे हम जैसे ही प्लस का सिंबल को यहाँ पे छोड़े हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक जो एरिया था ग्रीन कलर में वो ऑटोमेटिक इरेज हो गया। तो चलिए हम अगला टूल्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगला टूल्स है जो है मैजिक टूल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैजिक टूल है, इसके बारे में हम बताते हैं ये कैसे काम करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैजिक टूल्स को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सेलेक्ट करते ही इसका जो इंटरफेस होता है कुछ बदल जाता है। यहाँ पे हम बता दें ये जो डॉट वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको प्रेस करना है और ये जो यहाँ पे एक बड़ा में राउंड में डॉट आ रहा है और एक सर्किल आ रहा है ये एरिया जहाँ भी रहेगा ये सर्किल उस एरिया को ऑटोमेटिक ये इरेज करेगा, एक मैजिक की तरह काम करेगा। तो चलिए हम बता दें ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमको इस जो डॉट वाला ऑप्शन है इस पे हमको प्रेस करना है। प्रेस करते ही जहाँ भी हम ले जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हो ये मैजिक की तरह ये ऑटोमेटिक इरेज करते जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो मैजिक की तरह ये इरेज कर रहा है। हम इसको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसा काम कर रहा है। और यहाँ पर भी हम दिखा दें जैसा कि हम ऑटोमेटिक ये सिर्फ ब्लैक वाला, जैसा कि आप देख रहे हो सिर्फ ब्लैक वाला ऑटोमेटिक इरेज होता गया। और नीचे में हम दिखा दें यहाँ पे हल्का ग्रीन कलर के एक जो कलर है इस पे हम लेके गए ये ऑटोमेटिक दूसरा कलर नहीं सिर्फ ग्रीन कलर ही यहाँ पे इरेज हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये टूल्स भी बहुत काम का टूल्स है। दोस्तों अगला टूल्स है जो है मैनुअल। जैसा कि आप देख रहे हो ये टूल्स है अगला जो है मैनुअल। तो चलिए हम बताते हैं ये कैसा काम करता है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको हम दिखा दें ये कैसा काम करता है। दोस्तों मैनुअल टूल्स का इंटरफेस कुछ इस तरह के आता है। यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा डॉट मिल जाएगा रेड कलर में, यहाँ पे आपको प्रेस करना है और साथ ही साथ ऊपर में एक मिल जाएगा सर्किल मिल जाएगा छोटा सा, ये सर्किल जहाँ भी रहेगा उस एरिया को इरेज होगा कुछ ब्रश की तरह। जी हाँ दोस्तों अगर आप मोबाइल या फिर अगर आप लैपटॉप यूज किए होंगे तो ब्रश का इस्तेमाल तो जरूर किए होंगे। और ब्रश में जैसा कि ब्रश काम करता है सिंपल सा ड्रा करते हैं या फिर हम इरेज करते हैं वैसे ही इस एप्स में मैनुअल टूल से ये काम करता है। तो चलिए हम बताते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले रेड वाला पे क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रेस करते हैं। प्रेस करते ही दोस्तों यहाँ पे हम मूव करते हैं और यहाँ पे ब्रश की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। दोस्तों हम जहाँ जहाँ ड्रा कर रहे हैं वहाँ वहाँ ये सिंपल इरेज होता जा रहा है। तो ये है मैनुअल जो टूल्स है उसका इस्तेमाल है। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो है रिपेयर। जैसा कि आप देख रहे हो अगला जो टूल्स है जो है रिपेयर। तो चलिए इसके बारे में हम जान लें। दोस्तों ये टूल्स बहुत ही यूजफुल टूल्स है। अगर आप ये तीनों टूल्स में कोई भी टूल्स का यूज करते हो और गलती से कोई एरिया आपसे इरेज हो जाता है तो ये रिपेयर के माध्यम से आप दोबारा उसको रीस्टोर कहें कि एक तरह से आप कर सकते हो। तो चलिए इसके प्रैक्टिकली हम बता दें कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपेयर वाला जो आपको टूल्स मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। दोस्तों रिपेयर टूल्स का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ब्लू कलर में एक डॉट मिल जाएगा जिस पे आपको क्लिक करके ऑपरेट करना है इस रिपेयर टूल्स को, और ऊपर में एक मिल जाएगा सर्किल मिल जाएगा। दोस्तों ये सर्किल जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ वहाँ का इरेजर हुआ और जो पिक होगा वो वापस रिकवरी हो सकता है, रीस्टोर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली आपको बता दें कि ये रिपेयर टूल्स कैसे काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये ब्लू कलर में जो डॉट आ रहा है इस पे आपको प्रेस करना है और इसको ऑपरेट करना है। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे हम ब्लू कलर पे प्रेस किए और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ हम इरेज किए हैं वो रिकवरी हो रहा है, आई मीन टू से वो रीस्टोर हो रहा है। अगर आप गलती से इरेज कर चुके हो कोई भी एरिया को तो रिपेयर टूल्स के माध्यम से आप उस एरिया को वापस ला सकते हो। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं अगले टूल्स की तरफ और बताते हैं कौन सा अगला टूल्स है। दोस्तों हमारा अगला टूल्स है जो है जूम। जैसा कि आप देख रहे हो लास्ट टूल्स है जो है जूम। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, दोस्तों इसका नाम से आप जान चुके होंगे कि इसका यूज़ क्या है। जूम टूल्स का यूज ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जूम टूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जूम वाला जो टूल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसका यूज ये ऐसा होता है कि जब आप जो भी पिक को आप लिए हो उस पिक को आप इजिली जूम इन कर सकते हो या जूम आउट कर सकते हो, आई मीन टू से उस पिक को आप बड़ा कर सकते हो या फिर छोटा कर सकते हो। ये जो टूल्स है बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। जब हम किसी भी पिक का पार्ट इरेज करते हैं तो ये टूल्स बहुत ही यूजफुल आता है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे ये काम करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पिक को आपको अपने फिंगर से जूम इन कर लेना है या फिर आप जूम आउट कर सकते हो, और यहाँ पे आप जूम इन या जूम आउट करके इरेज कर सकते हो, इजिली यहाँ पे इरेज कर सकते हो।
फिर इसको जूम पे क्लिक करके अपने फिंगर से आप इसको जूम आउट कर सकते हो या फिर जूम इन कर सकते हो। जब आपका पीक इरेज हो जाएगा, आप अपना वर्क फाइनली कंप्लीट कर लोगे, तो आपको क्या करना है, ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा जो होगा डन का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इजिली, इस पे आपको क्लिक करके ये पीक आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए हम बता दें कैसे ये काम करता है। ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्लिक किए दोस्तों, क्लिक करते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर में आपको मिल जाएगा सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक किए, क्लिक करते हैं यहाँ पे सेव हुआ और ये फाइनली यहाँ पे क्लिक करके आप फिनिशिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फिनिश पे हम क्लिक करते हैं, ये जो पिक था दोस्तों हमारा गैलरी में चला गया है। उम्मीद कर रहे हैं आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।